हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि देख पा रही है, हुंडई की ग्रैंड i10 है, 2015 का मॉडल है, कप्पा स्पोर्ट्स कप्पा पेट्रोल कार है। तो इसका मैं आज डैशबोर्ड खोलने जा रहा हूँ। डैशबोर्ड क्यों खोलने जा रहा हूँ, क्योंकि इसका इवापोरेटर कॉइल है ना, लीकेज हो चुका है। जब इसमें मैंने कस्टमर से के पास से गाड़ी आई, मैंने चेक किया तो इसमें गैस था ही नहीं, तो इस वजह से नाइट्रोजन का प्रेशर इंसर्ट किया तो लीकेज बता रहा था। क्या लीकेज बता रहा था कि प्रेशर ड्रॉप हो रहा था। तो प्रेशर ड्रॉप हो रहा तो बाहर हमने सब चेक किया, कहीं लीकेज नहीं है। तो अंदर कूलिंग कॉइल में से स्मेल और आवाज़ आ रहा था बहुत माइनर, जो कि कूलिंग कॉइल लीक हुआ है। तो इस वजह से इसका डैशबोर्ड खोलने जा रहे हैं। तो डैशबोर्ड खोलने के लिए क्या क्या खोलना पड़ेगा मेरे को, वो सब चीज़ें मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मेरा देख रहे हैं बैटरी की वायर लगी है, तो सबसे पहले बैटरी की वायर निकाल देता हूँ, फिर आगे आपको ये सब कंसोल बॉक्स, सबसे पहले कंसोल बॉक्स ही खोलना स्टार्ट करता हूँ मैं। तो कंसोल बॉक्स क्यों खोलते हैं वो सब चीज़ें तो आपको पता ही होगा, ताकि डैशबोर्ड इजीली मेरा मूव हो जाए, सीट के ऊपर होल्ड हो जाए। और ये मूव होने के लिए गियर बॉक्स को पलटी मारना पड़ता है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होगा। तो चलो फिर मैं खोलता हूँ बैटरी की वायर, खोलने के बाद फिर आगे आता हूँ, आगे खोलने के लिए स्टार्टिंग प्रोसेस में लेके जाता हूँ आपको। जैसा कि देख पा रहे बैटरी की वायर निकल चुकी है, तो मैं सबसे पहले कंसोल बॉक्स खोलना स्टार्ट करूँगा। कंसोल बॉक्स तो खोलूँगा, बट ये सब चीज़ें आप जो खोलेंगे ना, फाइबर इसको, रबड़ को, ये जो गैस्केट दिया है इसको थोड़ा नीचे लेंगे और यहाँ हाथ डालेंगे, इजीली ये निकल जाता है। जैसा कि देख पा रहे हैं आप, निकल गया। वैसे उस साइड का भी खुलेगा। तो सबसे पहले मेरे को कंसोल बॉक्स खोलने के लिए ये जो देख रहे हैं, ये वाली कलर का, वाइट कलर का जो दिख रहा है आपको, इसको पहले निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ से खींचेंगे तो निकल जाएगा। मेरे को स्क्रू ड्राइवर से कटाना पड़ेगा साइड से, तभी खुलेगा ये। ऐसे भी खुल जाता है, जो एक दो बार खुला हुआ रहता है। तो मैं इसको खोलता हूँ, खोलने के बाद फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, एक दिल्ली अपना खुल गया, और इसको पीछे से लॉक दिया हुआ रहता है। तो ये सब लॉक आप दबाएंगे तो ये काला वाला पट्टा जो है वो निकल जाएगा। तो मैं उसको निकालता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हो, वाला वाइट वाला पट्टा मैंने निकाल दिया। तो अब मेरे को निकालने की ज़रूरत है ये स्क्रू जो है, ये स्क्रू, एक ये स्क्रू, दो स्क्रू दिख रहा है आपको, तो दो स्क्रू दिख रहा है, और उसके बाद इस साइड तो नहीं दिया है। तो ये बाहर निकलेगा, पहले बाहर निकलेगा, तो सबसे पहले मेरे को ये वाला पैनल खोलना पड़ेगा। फिर ये वाला पैनल खोलेंगे तभी ये वाला निकलेगा। तो चलो फिर मैं ये वाला खोल देता हूँ, इसमें 10 नंबर दिया हुआ रहेगा दो, और साइड से स्क्रू रहता है। तो इसे खोल के ही मैं आगे आपको दिखाता हूँ। चलो फिर खोलने के लिए लग जाते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ दोनों 10 नंबर, और यहाँ का स्क्रू, और इधर दो साइड दोनों स्क्रू खोल दिया हूँ, और उसके बाद इसको खींचेंगे तो आप निकल जाएगा। और एक सॉकेट दिया हुआ रहेगा यहाँ, निकल चुका। तो अब ये वाला मेरा तो देख पा रहे हैं, इसके बाद ये वाला निकलेगा। तो उसको निकालने से पहले ये वाला खोलना पड़ेगा कंसोल बॉक्स। तो इसमें एक 10 नंबर यहाँ दिया हो रहेगा, और दो 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 इस साइड दिया हो रहेगा, इसको दो इस साइड को ऊपर खींचेंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं, ये निकल गया और ये अटक रहा है, तो निकाल लेंगे। हैंड ब्रेक पूरा ऊपर ले लूँगा, इजली निकल जाएगा। इसमें दो सॉकेट रहेगा पीछे साइड लाइटर का, वो निकाल दिया हूँ मैं, और ये पूरा जैसा कि देख पा रहे हैं निकल चुका। तो इसको पीछे मैं होल्ड कर देता हूँ। अब आप इसको देख पा रहे हैं, एक स्क्रू यहाँ दिया है, एक स्क्रू यहाँ दिया है, और दो स्क्रू इस साइड दिया है, एक दो, यानी चार स्क्रू है टोटल। मैं खोलता हूँ, खोल के इसको निकालता हूँ, फिर अभी आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, ये स्क्रू, तीनों स्क्रू मैं खोल दिया, जो कि मैंने आपको दिखाया। और इस साइड का 10 नंबर एक यहाँ रहेगा, और एक क्लिक यहाँ रहेगा। इस साइड भी वैसे ही 10 नंबर यहाँ दिया रहे हैं, और क्लिप एक साइड अंदर साइड दिया है। तो उसके बाद आप इसको खींचेंगे, तो ये निकल जाएगा। जैसा कि देख पा रहे हैं, निकल चुका। सेम उस साइड का ऐसे ही निकलेगा ये। टकरने को जम नहीं रहा है मेरे को। देख पा रहे हैं, निकल चुका ये भी।
उसके बाद मेरे को गियर बॉक्स खोलने का है, गियर बॉक्स खोल के पल्टी मारने का है। तो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ, खोल के दिखा दूँगा एक बार। वो साइड का पैनल हो गया 12 नंबर, इधर का सॉकेट डिस्क्रिप्शन निकालना पड़ेगा, सब मैं खोल के फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे, गियर बॉक्स में 10-4-12 नंबर दिया हुआ था, खोल के मैंने इसको पल्टी मार दिया ताकि आप लोग को जगह स्पेस मिल जाए इस वजह से। तो उसके बाद मैं इस साइड आ जाता हूँ, इस साइड आपको ये सब सॉकेट फ्यूज बॉक्स की 3-4 सॉकेट रहेगी वो खोलना पड़ेगा। ये स्टेयरिंग का, स्टेयरिंग एंगल का जो ये 12 वोल्ट जो दिया जाता है सप्लाई, वो वाला खोलना पड़ेगा। उसके बाद ये 10 नंबर रही, ये दो, और इस साइड दिया रहेगा 12 नंबर। ये दोनों खोलता हूँ, सब खोलता हूँ, फिर खोल के आगे आपको दिखाता हूँ। यहाँ रहेगी 10 नंबर, जैसा कि देख पा रहे हैं, ये दोनों 10 नंबर खोलना पड़ेगा। तो सब मैं खोलता हूँ, खोल के फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे, ड्राइवर साइड का मैंने सब खोल दिया है। ड्राइवर साइड का क्या क्या खोला हूँ, ये दो सॉकेट खोला हूँ जैसा कि देख पा रहे, एक ये 3 सॉकेट और एक नीचे का सॉकेट, 4 सॉकेट खोला हूँ। उसके बाद यहाँ का 10 नंबर, एक और एक ये दो 10 नंबर खोला हूँ। उसके बाद यहाँ का 12 नंबर, एक दो 12 नंबर खोल दिया हूँ यहाँ का। और ये दोनों सॉकेट, एक के पावर स्टेयरिंग के लिए 12 वोल्ट का सप्लाई जिसमें जाता है वो वाली, और एक ये वाली फ्यूज बॉक्स में जो आया है वो वाली सॉकेट। उसके बाद स्टेयरिंग कॉलम 12 नंबर खोल के इसको वहाँ से नीचे से ऊपर ले लिया हूँ, ये हाइड्रोलिक वाला है, उसको ऊपर ले सकते हैं आप। उसके बाद ये दो 10 नंबर खोल दिया हूँ, बाकी इस साइड का मेरा सब खुल चुका है। तो चलो फिर उस साइड चलता हूँ, उस साइड क्या क्या खोलना पड़ेगा वो सब चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, लगभग अंदर से मेरा डैशबोर्ड पूरी खुल चुकी है। तो चलो उस साइड आपको दिखा देता हूँ क्या क्या खोलना पड़ रहा है। तो इस साइड अपन आ चुके हैं, इस साइड सबसे पहले आपको ये दो 10 नंबर और एक यहाँ 3 10 नंबर खोलना पड़ेगा। उसके बाद ये वाली सॉकेट खोलना पड़ेगा आपको, अंदर और कुछ खोलने की ज़रूरत है नहीं आपको। उसके बाद यहाँ एक 10 नंबर जो कि क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट के लिए, सपोर्ट के लिए दिया हुआ रहता है वो, और ये वाला पैनल और यहाँ का पैनल खोलना पड़ेगा। बाकी और कुछ खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो फाइनली मेरा डैशबोर्ड अंदर से जो भी खोलने का रहता है सब खोल चुका हूँ और मैंने आपको दिखा भी दिया। तो अब बाहर चलते हैं, बाहर क्या क्या खोलना पड़ेगा अपने को। तो चलो बाहर भी लेके जाता हूँ, खोल के दिखाता हूँ। तो बाहर जैसा कि देख पा रहे हैं, वाइपर ब्लेड सब खोल दिया हूँ, कॉल पैनल, और ये दो 12 नंबर खोलना पड़ेगा। और यहाँ रही एक्सपेंशन वाल के पास का जॉइंट, ये खोलना पड़ेगा। और आपको ये हीटर का दोनों पाइप खोलना पड़ेगा। तो बाकी सब फाइनली खुल चुका है। तो चलो फिर अंदर से मैं डैशबोर्ड बाहर निकाल के आपको दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बाहर दिखाया कि सब मेरा खुल चुका है, अब मैं डैशबोर्ड को पलटी मारता हूँ, पलटी मार के फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, फाइनली डैशबोर्ड खुल चुकी है, देख पा रहे हैं। यहाँ रहती है इसका इवापोरेटर कॉइल यानी कूलिंग कॉइल, ये वाली। तो सबसे पहले मैं आपको न्यू कूलिंग कॉइल दिखा देता हूँ, ये रही। सबसे पहले इसका प्राइस देख लीजिए, 3098 है। यहाँ थोड़ा दिख नहीं रहा है, प्रिंट सही से किया हुआ नहीं है, यानी 3098 रुपये का है। और अंदर भी देख लीजिए आप, ये रही इसका नया वाला कूलिंग कॉइल यानी इवापोरेटर कॉइल। तो चलो फिर मैं इसको खोलता हूँ, इसमें स्क्रू दिया हुआ है, ये 7-8 स्क्रू रहता है। तो खोल के फिर बाहर निकालता हूँ, फिर आपको दोनों कूलिंग कॉइल दिखाता हूँ कि लीक कैसा कहाँ से हुआ है। तो चलो फिर खोलने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं आप, ये ऊपर का ट्रे मैंने खोल लिया और ये कूलिंग कॉइल ना इजीली बाहर आ जाएगा, जैसा कि देख पा रहे हैं। यहाँ से इसको लीक तो दिखेगा नहीं, क्योंकि ये अल्मीनियम का पार्ट है, कहीं गीला दिख नहीं रहा है, अल्मीनियम का पार्ट रहता है, तो इसमें धूल मट्टी बैठने के बाद लीक होता ही है ये। तो चलो फिर नया वाला मैं फिक्स कर देता हूँ। नया वाला फिटिंग करके इसमें तो चलो फिर इसका ऊपर का कवर और ये सब प्रॉपर तरीके से फिटिंग करके आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली जैसा कि देख पा रहे, प्रॉपर तरीके से फिट हो गया। तो चलो फिर मैं अब डैशबोर्ड को
डालता हूँ डैशबोर्ड डालने के बाद, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं फाइनली डैशबोर्ड डाल दिया हूँ मैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वापस से मैं डैशबोर्ड फिट डाल दिया हूँ, अपनी जगह पे बैठ चुकी है प्रॉपर तरीके से। तो चलो फिर इसको मैं अब फिटिंग करता हूँ, फिटिंग करने के बाद फिर दिखाता हूँ, थोड़ा बहुत बीच में दिखा दूंगा मैं तो, फाइनली फिटिंग करके ही दिखाऊंगा। तो चलो फिर फिटिंग करने लग जाते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं लगभग डैशबोर्ड फिट हो चुकी है, सॉकेट विकेट सब लग चुका है, तो थोड़ा बहुत फिटिंग करना बाकी है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो चलो फिर मैं फाइनली सब फिट कर देता हूँ, फिट करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली देख पा रहे हैं जैसा कि वाइपर ब्लेड वगैरह सब फिट हो चुका है और एक्सपेंशन वाल्व भी फिटिंग कर दिया हूँ प्रॉपर तरीके से, हीटर का पाइप भी बैठा दिया हूँ प्रॉपर तरीके से, जैसा कि देख पा रहे हैं बैठ चुका है प्रॉपर तरीके। बैटरी की वायर लगा देता हूँ मैं, चलो फिर अंदर चलते हैं, आप अंदर चलते हैं फिर दिखाता हूँ अंदर। तो जैसा कि देख पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से डैशबोर्ड फिट हो चुकी है, अब मैं इसको गैस चार्जिंग प्रोसेसिंग में लेके जाता हूँ। बैटरी की वायर लगा दिया मैंने जैसा कि आपको दिखाया बाहर, तो इसको गैस चार्जिंग प्रोसेसिंग में लेके जा रहा हूँ और गैस चार्जिंग करके ही मैं आगे आपको दिखाऊंगा, क्योंकि गैस चार्जिंग मैंने पिछले वीडियो में कई सारे वीडियो में कर चुका हूँ, तो वहाँ जाके देख सकते हैं आप। तो चलो फिर मैं गैस चार्जिंग करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ। हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं फाइनली पूरी गाड़ी फिट हो चुकी है, जैसा कि देख पा रहे हैं जो जो चीज खोला गया था सब प्रॉपर तरीके से फिट हो चुका है, देख पा रहे हैं आप। अब मैं इसका अभी गाड़ी चालू है जैसा कि देख पा रहे हैं, एसी चालू रखा हूं, कूलिंग टेम्परेचर आप देख लीजिए, सेवन पॉइंट सेवन पे आ चुका है, 7.9 ट्रिप मार चुका कंप्रेसर, यानी इसका कूलिंग प्रॉपर हो चुका है, यानी हो रहा है और होगा हमेशा। और बाकी इसका हीटर मैं हाई करता हूँ और हीटिंग टेम्परेचर देख लेते हैं, एसी चालू रखा हूँ और हीटर हाई किया हूँ, तो देखते हैं हीटिंग टेम्परेचर, थोड़ी देर होल्ड करता हूँ क्योंकि गाड़ी अभी मैंने जस्ट चालू किया इसके वजह से हीटिंग आएगा नहीं, तो थोड़ी देर होल्ड करता हूँ और देखता हूँ हीटिंग टेम्परेचर कितना तक जा रहा है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं हीटिंग टेम्परेचर 43 पे आ चुका और भी बढ़ रहे हैं, एसी चालू है अपना, देख पा रहे हैं एसी ऑन है, ब्लोअर 2 पे है और हीटिंग टेम्परेचर आप देख लीजिए 44। एसी चालू पे भी हीटिंग टेम्परेचर आपका आना चाहिए, अगर एसी चालू पे हीटिंग टेम्परेचर नहीं आ रहा है या किसी वेंट में कम आ रहा है, किसी में नहीं आ रहा है और किसी में ज्यादा आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपका हीटर क्वाइल में कुछ न कुछ फॉल्ट है, इस वजह से हीटिंग टेम्परेचर नहीं आ रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे 42 तक। देख पा रहे बढ़ रहे हैं अभी भी 43, यानी और भी बढ़ता लगभग 60 तक जाएगा, काफी टाइम गाड़ी चालू करना पड़ेगा। तो जैसा कि देख पा रहे गाड़ी हीट भी नहीं हुई है अपना उतना। तो हेलो दोस्तों, ये सब चीज़ें जो मैं आपको दिखाया ना करके, ये सब चीज़ें आपको दिखा इसलिए रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको समझ में आए, जब चीज़ें आपको समझ में आ जाए ना तो फिर आपके साथ कोई उल्टा सीधा नहीं कर सकता है, इस वजह से मैं ये सब चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ। तो चलो फिर, आप मेरे चैनल में अगर नए हो तो लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं नेक्स्ट वीडियो अच्छी तरीके से बनाने की कोशिश करूँगा। तो चलो फिर नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, और जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।